मेरा नंबर? हाँ। क्यों? अरे बात करने की। अबे लड़की छोड़ी हूँ मैं। या घर बताओ। घर बताऊं? ये आज क्या हो रहा है? जो भी कोई मेरे से मिल रहा है मेरा फोन नंबर या घर मांग रहा है? अभी थोड़ी थोड़ी देर में मुझे लग रहा है। भाई क्या चाहिए तुम्हें? चड्डी? तो भाइयों आज है दिवाली का पावन दिन, तो आप सबको हमारी तरफ से दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। ओ भैया आपकी दिवाली। अरे भाई दिवाली है तो मुझे चरखी की तरह क्यों घुमा रहे हैं? भाई चक्कर आ जाते भाई, भाई कोई लड़की भी नहीं है जिसकी बाहों में गिर जाऊं भाई रोकने। तेरी कसम चक्कर आ गया भाई, भाई क्यों घुमाया मेरे को चरखी की तरह? मैं पटाखा हूं जो फोड़ रहा है मुझे। चले शीशा। अरे भैया इधर हूं मैं। हां इधर। अरे इधर भैया। फिर क्या प्लान है आज का? भाई देख प्लान ये है कि मान ले तू अगर कच्चा पहनता है तो जाहिर सी बात है दोनों टांगों में कच्चा घुसाएगा, एक टांग में तो घुसाएगा नहीं। तो प्लान यही है हम लोग जाएंगे कच्चा लेने। नहीं कच्चा लेने नहीं भाई, बाली लेने। मैंने एक कान में तो बाली पहन रखी है लेकिन जो दूसरे कान की बाली है ना वो गिर गई, तो अभी ऐसी फील आती है जैसे मैंने कच्चा जो पहन रखा है वो एक टांग में पहना हुआ है। तो फटाफट चलते हो बाली लेके आते। थैंक यू भाई। हैप्पी दिवाली। कैसी है आपकी घरवाली? हैप्पी दिवाली। इसकी गर्लफ्रेंड का नाम है रूपाली। क्या खेलेंगे? बैट बॉल। यार बैट बॉल तो नहीं, क्रिकेट खेलोगे तो बताओ। भैया बाली है? आजा भाई आजा, मिल गई बाली। देखो जैसी ये है ना ये वाली, इसी का एक फोटो सेट दे दो यहाँ का। मैं भी ले रहा हूँ भैया। लेगा बाली? कौन सी वाली लेगा भैया? छेद वाली। छेद वाली मतलब? भैया मेरे छेद है ना। हाँ तेरे छेद तो है। वाली चाहिए। पहले मैं आया था, लेडीज फर्स्ट। सॉरी लेडीज फर्स्ट नहीं, गलती से निकल गया। मतलब फर्स्ट कम फर्स्ट कम फर्स्ट सर। लेडीज फर्स्ट जाएंगे। गेरी भाई मिल गई। थैंक यू। तो भाई इसी के साथ हम लोगों ने कान की बाली ले ली है। भाई अब क्या सीन है बता? भैया आप बताओ ना क्या सीन है। भाई देख प्लान बहुत ही सिंपल है। तेरे को याद है बचपन में जब हम लोग हिंदी में ऐसे लिखा करते थे दिवाली के ऊपर, तो पहली लाइन ही लिखा करते थे कि दिवाली खुशियों का त्योहार है। तो बस फिर चलते हैं इसी लाइन को पूरा करने। भैया पूछे आपकी काली काली, मेरी तरफ से आपको हैप्पी दिवाली। नटखट होती है दुनिया की सारी साली, मेरी तरफ से आपको हैप्पी दिवाली। बाबू हैप्पी दिवाली। भैया गुड मॉर्निंग। भैया आप कौन हो? आप कौन हो? आप कूड़े वाले नहीं हो, आप सफाई वाले हो। कूड़े वाले तो हम हैं। आपके लिए हैप्पी दिवाली। तो भाइयों इसी के साथ समोसे हमने बांट दिए, अब हम जा रहे हैं गुड़ लेने। भैया गुड़ दे दो। भाई मिल गया गुड़, इसको एक बार कह दो वेरी गुड। नंबर दे दो अपना। मेरा नंबर? हाँ। क्यों? अरे बात करने की। अबे लड़की छोड़ी हूँ मैं। मिल लिया करो ना नंबर का, क्या करोगे? तुम मिलते नहीं हो? मिलता तो हूँ। मिलता हूँ। नंबर चाहिए ना? एक आइडिया मेरे पास, मेरे जूते का नंबर है 5। अपने जूते के नंबर से 5 डायल करना, मेरे जूते पे कॉल लग जाएगी। अबे नंबर मिल तो गया 5। मैं आपका बिग फैन हूँ, मैं आपकी वीडियो भी देखती हूँ। थैंक यू भाई, थैंक यू सो मच। 100 रुपए के 4 बर्तन। याद कर लो 100 रुपए के 4 बर्तन एग्जाम में आ सकता है। ये घर बताओ। घर बताऊँ? ये आज क्या हो रहा है? जो भी कोई मेरे से मिल रहा है मेरा फोन नंबर या घर मांग रहा है? अभी थोड़ी थोड़ी देर में मुझे लग रहा है। भाई क्या चाहिए तुम्हें? चड्डी? भाई घर ले लिया, फोन नंबर ले लिया, चड्डी भी ले लो। मेरा बर्थडे पास में आ रहा है। गेट खोलो, जिस जिसका बर्थडे आ रहा है गेट खोलो, आ रहा है वो। गेट खोल के रखो, बर्थडे आ रहा है। गेट बंद होगा तो बर्थडे कैसे आएगा? अरे बात है। तुम्हारे घर अगर मौसी आएंगी तो गेट खोलोगे, चाची आएंगी तो गेट खोलोगे, तो बर्थडे आ रहे तो भी तो गेट खोलो। अरे खी कर रहे हैं। घर बताऊं? चिंच पोगली। मेरी गली देखी है? मेरी गली नहीं है वो, सरकार की गली है। मैं तुम्हारे बाप का नौकर नहीं हूँ। ओए आज क्या है? आज छोटी दिवाली। और क्या यार सोचो, छोटी दिवाली है। फिर तुमने कभी ऐसा सुना है कि श्री कृष्ण जी की 16,000 रानियां हैं? हाँ। तो इसके पीछे की कहानी यही है कि आज छोटी दिवाली वाले दिन नरका चतुर्दशी का दिन होता है। आज के दिन ही श्री कृष्ण जी ने नरकासुर नाम के एक राक्षस को मारा था। उस राक्षस ने अपने पास करीबन 16,000 लड़कियों को कैद करके रखा था। वो हर लड़की मदद की पुकार लगा रही थी, कोई नहीं आया बचाने, सिर्फ श्री कृष्ण आए बचाने। अब जब श्री कृष्ण जी ने उन सबको बचाया और उसके बाद वो सारी लड़कियां समाज में वापस गईं, तो किसी ने उन्हें नहीं अपनाया।
आया क्योंकि वो सारी लड़कियां एक राक्षस के वहां से होके आई हैं, तो उन पे लांछन लगा हुआ था अपहरण का। ये सारी बात इतनी गहरी थी कि वो 16,000 लड़कियां आत्महत्या का मन बना चुकी थी। तो फिर श्री कृष्ण जी ने कहा कि तुम लोग आत्महत्या मत करो। तो फिर उन 16,000 लड़कियों का बस एक ही सवाल कि हमें अपनाएगा कौन। तो उन 16,000 लड़कियों ने श्री कृष्ण जी से रिक्वेस्ट करी कि आप हम सबको अपनी दासी बना लो। अब कृष्ण जी ने इस बात से भी इनकार कर दिया कि औरत जो जन्म लेती है वो दासी बनने के लिए थोड़ी लेती है, उसके तो खाली 3 रूप होते हैं, माँ, बेटी या पत्नी। तो उन लड़कियों ने जवाब दिया कि माँ वो अभी बन नहीं सकते क्योंकि वो सारे लोग कुंवारे हैं, बेटी या बहन बनेंगे तो अभी भी इस चीज का सॉल्यूशन नहीं निकला क्योंकि समाज में तो लांछन लगा हुआ ना अपहरण का, और इस लांछन की वजह से पत्नी उन्हें बनाएगा कौन। तो श्री कृष्ण जी ने कहा कि मैं बनाऊंगा तुम सबको अपनी पत्नियां, मैं करूंगा तुम लोगों से शादी। उसके बाद श्री कृष्ण जी ने उन सबको रानी बनाया द्वारका की और उनका खोया मान सम्मान वापस दिया। कोई शारीरिक संबंध नहीं रखा, बस उन 16,000 लड़कियों को एक जिंदगी जीने की नई वजह दी। क्योंकि आप लोग खुद सोचो ना, वो लड़कियां तो एकदम निर्दोष थी, उनकी क्या गलती थी, उन सबकी नियत साफ थी, वो लोग खुद अपनी मर्जी से नहीं गई थी किसी दूसरे पुरुष के पास। तो ये है इतिहास उन 16,000 रानियों का। अपनाकर श्री कृष्ण ने दिया उन्हें सम्मान, जहाँ पूछे हो नारियाँ बसे वहीं भगवान। भाई शशांक, स्कूटी के पेट में चूहे कूटने की आवाज आ रही है, एक बार पेट्रोल पंप ले ले। 150 का लेमन सोडा डल गया? अभी नहीं डाला। नहीं डाला ना, मैं वो ही सोचूं भाई, अभी तो होश से होश टकराए थे, कह रहे हो गया एरर आ गया, लगता है सही में लेमन सोडा नहीं है। पेट्रोल नहीं डाल दो। अबे साले डाल दिया, विश कर दो दिवाली। जो हारे उसकी शेम शेम तो कर दो। गजब बेइज्जती है। तो भाई क्रिकेट खेलने के बाद हम लोग जा रहे हैं कुछ खाने पीने। जल्दी बता क्या खाएगा भैया? तंदूर। तंदूर तंदूर खा लेगा पूरा। बता भाई जल्दी बता भैया। वेजी? हाँ वेज, वेजी खाएंगे, वेजी खाएंगे, वेज वेजी खाएंगे। बता नूडल्स? नूड नूड न्यूड चाहिए तेरे को? शर्म कर भाई, क्या कह रहे हैं न्यूड। अरे बस कर भाई, झापड़। सॉरी पास्ता खाएगा? पास्ता? हाँ। तो पास्ता में बता दे रेड मिक्स व्हाइट क्या लेगा? रेड भैया, एक रेड सॉस पास्ता वेज। जैसे हम रेस्टोरेंट में खाना ऑर्डर करते हैं, पैसे भी हम ही देते हैं, खाना भी हम ही ऑर्डर कर रहे हैं, फिर खाने का वेट भी हम ही करते हैं, तो फिर जो सामने बंदा हमारा खाना लाता है वो क्यों वेटर है? वेटर तो हम हुए ना, क्योंकि हम वेट कर रहे हैं खाने का। अभी तक मुझे डिग्री मिल जाती है। फिर क्यों नहीं मिली? एक पेपर में लटका दिया। तो एक साल बाद डिग्री मिल जाएगी, टेंशन क्यों ले रहे? हमने वैसे सोचा है कि कॉलेज की जो डिग्री होती है वो लंबी और गोली की देते हैं। ओए भाई, इसमें काले अंगूर क्यों डाले हैं? ओए होए भाई, पास्ता हमने खा लिया है, अब एक बार मेरे को चेक करना है। हाँ, थोड़ी सी जगह है, थोड़ा कुछ और भी खाते हैं। क्या खाए फिर? जो आपका मन करे। मेरा मन कर रहा है कि क्यों ना प्लेटर मंगवाते हैं मोमोज का। प्लेटर क्या होता है भाई? प्लेटर होता है जिसके अंदर एक थाली होती है, उसमें भिन्न भिन्न प्रकार के मोमोज होते हैं। तो भाइयों, खाना पीना हम लोगों ने कर लिया है, और मेरे पास अभी अभी घर से फोन आया कि जो चूहे भैया हैं वो अरेस्ट हो चुके हैं। तो आज फिर चलते हैं चूहे भैया को रिहा करने। आर यू रेडी? ओ चूहे लाला, मेरे घर में उड़म मचा रखा था तुमने, हैं? क्यों शर्म नहीं है? शर्म नहीं? ऐसी जगह छोड़ूंगा जहाँ इसकी पार्टी हो जाएगी, वहां ना दाने गिरेऊंगा जो कबूतरों के लिए, उन्हीं के बीच छोड़ देता हूँ, सीधा इसका गेट खुलेगा, दावत ही दावत सामने। बाय बाय। जाओ, अरे मन नहीं है जाने का? तो कहाँ नहीं बाबू, चले जाओ। और भाइयों, अगर आप लोग के घर पे भी चूहे शैतानी करें तो प्लीज वो एक ना ग्लू करके मैट आती है वो इस्तेमाल ना करें। ये है, इसमें चूहे पकड़े और चुपचाप से इन्हें रिहा कर दें, क्योंकि अगर आप वो ग्लू वाला यूज करोगे ना तो उसमें क्या होता है, वो चूहे चिपक जाते हैं, फिर उन पे जो दुर्दशा होती है, तौबा तौबा तौबा, वो गलत बात है। क्योंकि अगर आप गाय लवर हो या कुत्ता लवर हो या कोई भी लवर हो, अगर आप जीव लवर, तो चूहा भी तो जीव है, उसका भी लवर बनो, उसको ऐसे क्यों प्रताड़ित करना ग्लू में चिपका के। आपको ये कसम है, जो आपने बचपन में टॉम एंड जेरी देखा, उस जेरी की कसम, उसने आपको कितना हंसाया, तो उसी हंसी की कसम है, ये यूज करें ग्लू नहीं। तो इसी के साथ इस व्लॉग को कर दे पे खत्म, जाते वीडियो को लाइक कर देना और एक बढ़िया सा कमेंट नीचे लिख देना और चैनल को कर देना सब्सक्राइब। मिलते हैं बहुत जल्द नए व्लॉग के साथ, और आप सबको हमारी तरफ से दिवाली की हार्दिक बधाई। जय श्री राम। 5, 6, 5, 6, 7, 8। जी करदा कपताना हां दे जल से नचने तो मेरा अज जी करदा, जी करदा कपताना हां दे जल से नचने तो मेरा अज जी करदा।